हेलो बुल्स, स्वागत है आपका फ्यूचर बुल्स में। आज 14 जनवरी को HDFC बैंक ने अपने क्वार्टर थ्री के रिजल्ट आने वाले हैं, तो चलिए बढ़ते हैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट की तरफ। यहाँ देख सकते हैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट की तरफ हम आ चुके हैं। रुपीज़ इन लैक्स में डाटा शो किया गया है। पहले देखते हैं कि बैंक ने कितना इंटरेस्ट अर्न किया है। तो इस क्वार्टर में बैंक ने 45,000 करोड़ का इंटरेस्ट किया, जो कि पिछले क्वार्टर में 40,900 करोड़ का था और पिछले ईयर में 34,500 करोड़ का इंटरेस्ट था। तो क्वार्टरली और ईयरली वाइज देखा जाए तो इंटरेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है बैंक में। टोटल इनकम की बात की जाए तो 54,122 करोड़ की इनकम इस क्वार्टर में हुई है, जो कि पिछले क्वार्टर में 49,018 करोड़ की थी और पिछले ईयर में 43,036 करोड़ की थी। तो क्वार्टरली और ईयरली में भी इनकम बहुत अच्छी आई है। प्रॉफिट की बात की जाए तो इस क्वार्टर में 12,735 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है बैंक को, जो कि पिछले क्वार्टर में 11,162 करोड़ का था और पिछले ईयर में 1,061 करोड़ का प्रॉफिट था। इस नज़रिए से देखा जाए तो बैंक अच्छा खासा ग्रोथ में चल रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं EPS की तरफ। EPS की बात की जाए तो इस क्वार्टर में 22.68 EPS है, जो कि पिछले क्वार्टर में 19.93 और पिछले ईयर में 18.98 था। तो क्वार्टरली और ईयरली वाइज EPS बढ़ा हुआ है अच्छा खासा। अब इसकी NPS की बात कर लेते हैं कि कितना NPS इसका घटा है या बढ़ा है। तो NPS हमें यहाँ मिल चुके हैं, पिछले क्वार्टर में भी 33% था, इस क्वार्टर में भी 33% है। तो NPS भी अभी फ्लैट चल रहे हैं। मेरे ख्याल से कंपनी और बैंक के रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए हैं, ग्रोथ भी अच्छी हुई है, प्रॉफिट भी अच्छा हुआ है। जिसको ख़रीदना है वो ज़रूर खरीद सकता है, नंबर वन बैंक है हमारे इंडिया का, तो आप ज़रूर इसको खरीदिए। और ऐसे ही रिज़ल्ट की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए।